Today we will learn types of number. What are types of number? Natural number, whole number, integers, rational number, irrational number, and real number in last. Number, we'll start from natural number. Natural numbers are counting numbers like 1, 2, 3, 4, 5, and so on. Things appear in a nature. I will give one example. Example ke through aapko ye cheez bataunga. Number of trees in a garden. किसी भी गार्डन में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, किसी ने आपको बोला कि यार इस गार्डन में ट्री कितने हैं, तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग? अपनी काउंटिंग एक से स्टार्ट करेंगे। गार्डन की बात हो रही है तो अंडरस्टूड है वहाँ पे ट्रीज वगैरह होंगे। डिनोट किससे होता है? जिस तरीके से आपका मेरा पहले भी मैं बता चुका हूँ, जैसे सबका नाम होता है इसी तरीके से हर चीज़ को डिनोट किया जाता है ना, हर किसी चीज़ को एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है। तो डिनोट होता है नेचुरल नंबर एन से। अगर मैं इसकी एग्जाम्पल दूँ तो एग्जाम्पल इस तरीके से होगी, आपके सामने मेंशन हुई हुई है, एन इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी चलता रहेगा। नंबर होल नंबर, अच्छा होल नंबर क्या होता है? सेम एज नेचुरल नंबर, ओनली जीरो इंक्लूड। एज इट इज नेचुरल नंबर है, लेकिन क्या है कि उसमें एक जीरो ऐड कर दिया जाए। होल नंबर किससे डिनोट होता है? डब्ल्यू से डिनोट होता है। अगर इसकी एग्जांपल दी जाए तो जैसे मैंने नेचुरल नंबर की एग्जांपल दी थी, n इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से होल नंबर का जो एग्जांपल होगा वो होगा w इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। नंबर आता है इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या है, बड़े मजे की चीज़ है। इंटीजर्स आर ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर्स एंड जीरो। अच्छा, जिस तरीके से अगर आपसे मैं कहूँ कि हम नेचुरल नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब हम नेचुरल नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक यूनिक वैल्यू आती है, ठीक है। इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। एक एग्जांपल के थ्रू अगर मैं इस चीज़ को समझाने की कोशिश करूं, तो अगर 4-3 मैंने किया तो 4-3 का आंसर जो मेरे पास आएगा वो आएगा 1। अच्छा, ये 1 मेरे पास जो आया है ये है पॉजिटिव प्लस का है। कैसे? 4 में से जब मैंने 3 को डिडक्ट किया, 4 के साथ जो साइन है वो प्लस किए, 3 के साथ जो साइन है वो माइनस किए, प्लस माइनस माइनस, जब माइनस किया तो 1 आंसर आया। हमेशा जो आंसर आता है उसके साइन जो है बड़े नंबर की आती है, तो यहाँ पे बड़ा नंबर जो है वो क्या है? 4, और 4 के साथ साइन है प्लस की, तो यहाँ पे अमूमन मेरा जो आंसर आया वो आया प्लस का 1। तो ये कहलाएगा पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स क्या है? अगर मैं इसी एग्जाम्पल को इस तरीके से प्रेजेंट करूँ कि 3-4, अब 3 में से 4 को जब मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा माइनस का 1। अब ये माइनस का 1 जो आंसर आया है मेरे पास, ये कहलाएगा मेरे पास नेगेटिव इंटीजर्स। जिस तरीके से कुछ पॉजिटिव थॉट्स होती हैं, कुछ नेगेटिव थॉट्स होती हैं, इसी तरीके से इंटीजर्स में भी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स में इंटीजर्स फर्दर सब डिवाइड हो जाता है 2 टाइप्स के अंदर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। रैशनल नंबर्स, व्हाट इज रैशनल नंबर? अ नंबर ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू, वेयर क्यू इज नॉट जीरो एंड पी अपॉन क्यू आर इंटीजर्स एंड पी अपॉन क्यू इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमेशा इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन क्या होता है। अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्शन में कभी भी जीरो डिनोमिनेटर में नहीं आता, कभी भी। ये चीज जो है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। जीरो अगर डिनोमिनेटर में आएगा तो वो क्वेश्चन जो है वो मैथ्स एरर के अंदर आ जाएगा। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था जीरो क्यों नहीं आएगा। अच्छा, रैशनल क्या है? रैशनल हर वो नंबर जो फ्रैक्शन की सूरत में हो, जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता हो। इसकी एग्जांपल मैं इस तरीके से दे सकता हूँ, जैसे 2/3, 1/4, 7/17, 3/11, 13/19। फ्रैक्शन के अंदर वो नंबर जो फर्दर डिवाइड नहीं हो पा रहे हैं वो रैशनल नंबर कहलाएंगे। जैसे रैशनल नंबर्स को मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शंस जो नंबर जो अपॉन की सूरत में, फ्रैक्शन की सूरत में हो और जिनका आंसर होल नंबर नहीं आया वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। इसी तरीके से इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? अच्छा, इरेशनल नंबर्स में क्या होगा, जैसे √2, √3, √5 एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो √ की सूरत में आए वो आपका क्या कहलाएंगे? इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे। और इरेशनल नंबर्स डिनोट होते हैं क्यू नोट से। लास्ट, व्हाट इज रियल नंबर? नाउ द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स,
आर रियल नंबर्स। जब रैशनल और इरेशनल को मिला देंगे तो रियल नंबर्स हो जाएंगे। जिस तरीके से मिल्क और मैंगो, आजकल बड़ा मैंगो का जो है वो सीज़न चल रहा है, तो हर किसी को मैंगो शेक पसंद है। मिल्क और मैंगो को मिला दें तो जो है वो मैंगो शेक कहलाता ना। इसी तरीके से हमारा रैशनल और इरेशनल को जब हम मिक्स कर देंगे तो वो जो है वो क्या कहलाएगा, रियल नंबर। दोनों एक साथ जब हो जाएंगे।